अगर आपको भी मोबाइल पर हर दिन एक या दो नहीं बल्कि 4 से 5 मैसेज मार्केट के टिप्स से जुड़े हुए आते हैं तो ये खबर आपके लिए है। हर दिन ये मैसेज करने वाले आपको करोड़पति बनवा देने का दावा करते हैं। आप में से कई लोग इस जाल में फंस भी चुके होंगे और तंग होकर सोचते होंगे कि सरकार और एजेंसी इस बारे में सोचती क्यों नहीं है। तो जनाब, सरकार और एजेंसी अब जाग चुकी है, अब इन लोगों की शामत आने वाली है। सोशल मीडिया पर सेबी ने नॉन रजिस्टर्ड एडवाइजर्स या स्टॉक टिप्स देने वाले लोगों पर सेबी और सरकार सख्ती से कदम बढ़ाने वाली है। शेयर बाजार से जहां पैसा कमाने के अच्छे और दमदार तरीके मिलते हैं, लेकिन बाजार में पैसा बनाना उतना आसान होता नहीं। शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए सॉलिड स्टॉक्स को चुनना पड़ता है। इसके लिए निवेशकों को टिप यानी सलाह देने वाला सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन आजकल डिजिटल युग में सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे चैनल्स पर टिप्स की भरमार है। हर कोई अपने आप को एक्सपर्ट मानता है और एक्सपर्ट्स की तरह लोगों को ज्ञान देने लगता है। ऐसे में तथाकथित एक्सपर्ट का तो कुछ नहीं होता, लेकिन आम निवेशकों को जबरदस्त झटका लग जाता है। निवेशक आंख मूंद कर टिप पर निवेश कर देते हैं और उसके बाद उनको भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। रिटेल निवेशकों के लिए सेबी ने सख्त रुख अपना लिया है। सेबी ने वेब इंटेलिजेंस को लागू और शुरू करने और उसके मेंटेनेंस के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स से एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट मंगवाया है। सेबी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा भी लेने वाली है। इससे वो तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपनी नजर रखेगी। अब जो कोई भी कानून को ठेंगा दिखाकर इंडिविजुअल ग्रुप्स या फिर अन्य प्लेटफॉर्म्स पर सिक्योरिटी कानून को नहीं मानेगा, उस पर सेबी का चाबुक चलाया जाएगा। अब इस टूल के आने से आपको क्या फायदा होगा ये भी जान लीजिए। इसके इम्प्लीमेंटेशन से आम निवेशक यानी रिटेल निवेशक का पैसा डूबने से बचेगा। इससे किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन करने वाले को पकड़ा जा सकेगा। जांच प्रक्रिया में आसानी होगी और जांच अच्छे और मजबूत तरीके से हो पाएगी। इस जांच के दायरे में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लोग, कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप के लोग की अच्छे तरीके से जांच की जा सकेगी। जितने भी डेटा आएंगे उनको सही तरीके से एकत्रित किया जा सकेगा।